बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर मैथ। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आऊँ एक और मैथ का क्वेश्चन। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन PPSC ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया था। एग्ज़ाम का नेम असिस्टेंट सोलवा सकेल है। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में हुआ था 2022। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, फिर चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन कहते हैं कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स, बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 3 आवर्स, वाइल ए एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 2 आवर्स, बी एलोन टू डू इन। यानी कि वो कहता है जो ए है वो अकेले 4 घंटे काम करता है, बी और सी दोनों मिलके 3 घंटे काम करते हैं, ए और सी दोनों मिलके 2 घंटे काम करते हैं, तो बी अकेला कितना काम करेगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि उन लोगों ने बताया कि ए जो है वो काम करता है, कितने आवर्स में काम करता है, ए पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स, 4 आवर्स में काम करता है। ये आवर्स हैं, हम पर आवर्स के हिसाब से करते हैं, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, कर देंगे हम इनको पर आवर के हिसाब से। अगर यहाँ पे डेज आ जाते तो हम उसको पर डे के हिसाब से करते, यानी कि फिर हम उसको 1 ओवर जो भी वैल्यू से उसको 1 ओवर कर देते, यानी कि रेसिप्रोकल कर देते। अब भी हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो करेंगे 1 ओवर ए हो जाएगा, ये इजिकल टू 1/4 हो जाएगा। इसी तरह सबको रेसिप्रोकल करेंगे। अभी बी और सी यानी कि दोनों मिल के 3 घंटे काम करते हैं, 1 ओवर बी कर देंगे प्लस 1 ओवर सी इजिकल टू 1/3 कर देंगे। अब 1 ओवर बी प्लस 1 ओवर सी इजिकल टू 1/3 कर देंगे। इसी तरह अब ए और सी दोनों मिलके 2 घंटे काम करते हैं, 1 ओवर ए प्लस 1 ओवर सी इजिकल टू हम इसको 1/2 कर देंगे। ठीक है, 1 ओवर ए जमा 1 ओवर सी इजिकल टू 1/2 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम इसको कह देंगे ये इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे इसको, और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। अब हम ए की वैल्यू 1 ओवर ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ 1 ओवर ए इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो हम पुट करेंगे, ये आ जाएगा 1/4 प्लस 1/ सी इजिकल टू 1/2। ये उसको उधर ले जाएंगे, वो 1/4 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 1/ सी इजिकल टू 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा -1 इजिकल टू ये 1/ सी, 2 में से 1 जाए 1 बचे आ जाएगा 1/4, 1/4 आ जाएगा। ये हमारे पास 1/ सी की वैल्यू। अब हम 1/ सी की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पे हम लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ 1/ सी इन इक्वेशन नंबर 1 में, हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, 1/ बी प्लस 1/ सी इजिकल टू 1/3, 1/ बी प्लस 1/4 इजिकल टू 1/3। अब 1/4 उधर जाके माइनस हो जाएगा इजिकल टू, इस तरफ आके ये माइनस हो जाएगा। यहाँ से हम फिर इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे जो इनका एलसीएम आएगा वो आएगा 12, 12 इसका एलसीएम आएगा। यहाँ 12 को 3 पर डिवाइड करो तो आ जाएगा 4 आ जाएगा, माइनस 4 को 12 को 4 पर डिवाइड करो तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी 1/12 आ जाएगी, 1/ बी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये तो हमने पर आवर के हिसाब से किया है, तो इसी तरह हम इसको अगेन रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 12 आवर्स, बी अकेले में 12 आवर्स काम करता है। कौन सा हमारा राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सी, सी हमारा राइट ऑप्शन है। यहाँ पे हम लिख देते हैं आवर्स, बी 1/ बी काम करता है 12 आवर्स में, अकेले काम करता है। ये मेरे YouTube चैनल का नेम है मिस्टर मैथ। आप मिस्टर मैथ 153 लिखेंगे तो डायरेक्ट मेरा चैनल आ जाएगा। मैंने अपने चैनल पर 2022 में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुए उसकी मैथ की वीडियोस मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाल दी है, आप वहाँ पे तरतीब से तमाम वीडियो देख सकते हैं और
प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। ये मेरा फेसबुक का पेज है, आपको तमाम यूट्यूब की वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं। ये इंस्टा की आईडी, आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।